वन आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज तो आ गेन एक्सपर्ट जैसे कि आप लोगों को पता है पे मैं करवा रही हूँ आर आर बैंड नॉर्थ सेट की प्रेपरेशन सो so, जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा बिकॉज ऑलरेडी थर्टीन हंड्रेड थर्टी क्वेश्चन हम कर चुके हैं थर्टीन हंड्रेड थर्टी वन क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो वो आज ही इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके सो so, जो कल ऑफर्स थे बैचेस पे वो आज भी बच्चे ऑफर लगे हुए हैं सो आप डीले मत करिए एक मेरे पास है इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच और एक है मेरे पास थ्योरी बैच दोनों पे आज ऑफर है ठीक है सो so, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच वन फोर डबल नाइन का था वो इस टाइम हो रखा है वन थ्री डबल नाइन का एंड जो थ्योरी बैच टू फोर डबल नाइन का था वो इस टाइम हो रखा है टू टू डबल नाइन का तो आप फटाफट से ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच में आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए जाएंगे ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है एम सी क्यू क्लासेस होंगी सीरीज होंगी डाउट क्लासेज होंगी एंड प्रीवियस ईयर पेपर होंगे थ्योरी बैच उन बच्चों के लिए जिनको बेसिक से स्टार्ट करना है सो so बेसिक में फिजियोलॉजी हम करने वाले हैं, ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं एम सी क्यू क्लासेज रहने वाली हैं टेस्ट सीरीज़ डाउट क्लासेज एंड प्रीवियस ईयर पेपर सो दोनों ही बैचेज जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड हैं और दोनों ही बैचेज जो है थ्री मंथ्स के बैचेज हैं तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पर मेरे से बात या फिर मैसेज करके कॉल या फिर मैसेज करके ऑन द ऑफर्स तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर वन है वन थ्री क्वेश्चन क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं तो पढ़ते हैं क्या बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ पोस्ट पार्टम हेमरेज सो जो पोस्ट पार्टम हैमरेज होता है उनमें से ये मेजर कॉज कौन, कौन, कौन सा है ऑप्शन है प्रियक्लैमशिया इनकोनेटेड यूट्राइन एक्शन थ्रोम्बिन सो इट्स अ ए टॉनिक यूट्रस तो देखो क्या होता है कि आफ्टर डिलीवरी जो है यूट्रस खुद ब खुद ही क्या करता है कॉन्ट्रैक्शन करता है ताकि जो भी अंदर रह गया है ठीक है ना जो भी लेफ़्ट ओवर रह गया है वो बाहर निकल जाए बट यहाँ पे क्या होता है कि जो यूट्रस है उसकी कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पाती और यूट्रस जो है ए टॉनिक हो जाता है मतलब कि अपनी टोन खो देता है जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगी तो जो सामान अंदर लेफ्ट ओवर रह गया है थोड़ा बहुत वो बाहर नहीं निकलेगा और उसकी टेंशन की वजह से मदर को पोस्ट हेमरेज आपको देखने को मिलेगा सो मोस्ट कॉमनली यही प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है और एटोरिसिटी ऑफ द यूट्रस भी उन मदर्स में देखने को मिलती है जिनको बहुत लॉन्ग टर्म से जो है लेबर पेन हो रही होती है मतलब बहुत लंबे समय से जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है ठीक है नेक्स्ट है एन इनफेंट हैज अपगार स्कोर ऑफ जीरो द एयर एंड जेंटल स्टिम्य बेस्ट स्टेप इन मैनेजमेंट तो एक इन्फेंट है एक मिनट में मतलब पहले मिनट में जब आपने उसका अपगार स्कोर चेक किया तो उसका जो स्कोर है वो जीरो आ रहा है आपने उसका एयरवे भी क्लियर कर दिया जेंटल स्टिमुलेशन भी दे दी तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा मैनेजमेंट में आप इंट्यूबेट और वेंटिलेट करोगे इमिडिएटली ड्राई एंड वार्म करोगे इन्फेंट को कार्डिकन लगाओगे या फिर नन ऑफ अबव तो नन ऑफ अबव की तो भाई कोई चांसेस ही नहीं है सबसे पहले हमें पेशेंट को बच्चे को इंट्यूबेट एंड वेंटिलेशन पे डालना वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा बिकॉज देखो एयर वे भी आप क्लीन कर चुके हो तब भी उसका जीरो आ रहा है ठीक है जेंटल स्टिम्यूलेशन भी दे दी आपने तब भी बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा आप गार स्कोर जो है उसका जीरो है तो देर इज अ प्रॉपर इंडिकेशन कि बच्चे को इंट्यूबेट करना पड़ेगा और वेंटिलेटर पर ही डालना पड़ेगा नेक्स्ट है फॉर द पेशेंट विद द क्रॉन्स डिसीज द मेडिकल सर्जिकल नर्स अ डाइट दैट इज तो जो पेशेंट है क्रॉन डिसीज का सो इरिटेबल बावल सिंड्रोम है जिसमें माउथ से लेके एनस तक पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या हो जाता है इंफ्लामेशन जिसको हम बोलते हैं क्रॉन्स डिसीज़ तो मेडिकल सर्जिकल नर्स कौन सी डाउट देगी इसको हाई फाइबर लो इन प्रोटीन कैलरी हाई इन पोटाशियम लो इन फाइबर हाई प्रोटीन इन कैलरी लो पोटाशियम सो ऑब्वियसली देगी लो फाइबर एंड हाई प्रोटीन कैलरी क्योंकि देखो जितना लो फाइबर दोगे उतना कम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होंगी और उतना ईजी पेशेंट जो है हील कर पाएगा और ईजीली डाइजेशन हो पाएगी ठीक है सो so इस पेशेंट को हीलिंग पर्पज के लिए आप प्रोटीन और कैलरीज ज्यादा देते हो और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम करने के लिए फाइबर है है, वो कम देते हो। इज गिवन आफ्टर लंबर पंचर प्रोसीजर तो कौन सी पोजिशन लंबर पंचर प्रोसीजर के बाद दी जाती है? Fowler, supine, and so always जो है जो जो हम supine position देते हैं, के बाद जो है वहाँ पे हमें प्रेशर डाल ब्लीडिंग का कह रही हूँ सॉरी हमें क्या करना होता है प्रेशर डालना होता है ताकि जो है वहाँ से लीकेज ना हो ठीक है प्लस सुपाइन पोजीशन जो है लंबर पंचर की कॉम्प्लिकेशन हेडेक एंड हाइपोटेंशन को प्रिवेंट करती है सो so, कौन सी पोजीशन दोगे आप ऑब्वियसली सुपाइन पोजीशन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ द बेड रेस्ट तो इनमें से क्या पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन है बेड रेस्ट की इंक्रीज एपेटाइट इंक्रीज स्लीप क्वालिटी डीप वेन थ्रम्बोसिस इंक्रीज एनर्जी लेवल सो देखो अगर कोई भी पेशेंट जो है बहुत लंबे समय से बेड रिडन है या फिर बेड रेस्ट पे है तो उसे डी होने के सबसे ज्यादा चांसेस है डीप वेन थ्रम्बॉसिस ऐसे क्यों क्योंकि जब बेड रेस्ट पे होता है पेशेंट तो उसकी सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो रही होती और जो एक्सट्रीमिटीज से वीनस रिटर्न है वो भी नहीं हो रहा होता तो वीनस रिटर्न नहीं होगा तो जो ब्लड है वो क्या करेगा स्टेसिस होगा उसका ब्लड जो है स्टेग्नेटेड हो जाएगा स्टेगनेटेड का मतलब होता है एक ही जगह पे जमना शुरू हो जाएगा और उनसे फिर बनने शुरू होंगे डीवीटी डीवीटी और ये DVT जो है आगे जाके एम्बोलाई की फॉर्म ले लेते हैं और ये एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देते हैं जिससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है ठीक है तो अगर पेशेंट रेस्ट पर है एक बेड सोर के उससे चांसेज होते हैं एक डीवीटी के चांसेज होते हैं क्लियर सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोगों को बैचेस का बता दो थोड़ा सा सो so बैचेस जो है बच्चे ऑफर पे चल रहे हैं जो कल ऑफर था वो आज शाम तक वैलिड रहेगा इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है एक थ्योरी बैच है, है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है अब वो ऑफर में हो चुका है वन का थ्यूरी बैच वन वाला वन में सो so ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है इधर हम करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज डाउट क्लासेज इन प्रीवियस ईयर

सो so, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम वुड नर्स इंक्लूड इन टीचिंग प्लान एज अ अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ लेरेंजल कैंसर तो लेरिंगस की कैंसर की अर्ली मैनिफेस्टेशन में आप कौन सा साइन एंड सिम्टम टीचिंग प्लान में इंक्लूड करोगे डिस्फेजिया हॉर्सनेसनेस हॉर्सनेसनेसटोमेटाइटस एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन सो ये देखो कन कॉन्टिन्यूसली अगर किसी को हॉर्सनेसनेस हो रही है मतलब कि आवाज़ जो है उसकी हॉर्स बहुत ज़्यादा फट के आ रही है ठीक है हमेशा गला जो है ऐसा ड्राई रहता है सो दिस इज़ द अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ अ लरेंजियल कैंसर तो अगर आप टीचिंग प्लान बना रहे हो तो लरेंजियर कैंसर के अर्ली साइन एंड सिम्टम्स में आप हॉर्सनेस जो है वो फर्स्ट नंबर पर रखोगे नेक्स्ट द मेन गोल ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट ग्लोमेरुलो इज तो अगर किसी को ग्लोमेरुलो हुआ है मतलब किडनी के ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन है तो इट मीन्स किडनीज वर्क नहीं कर रही हैं तो मेन ट्रीटमेंट का गोल क्या रहेगा इंकरेज करना एक्टिविटीज इंकरेज हाई प्रोटीन इंटेक मेंटेन फ्लूड बैलेंस टीच इंटरमीडियट यूरिनरी कैथेटर वीडियो को लाइक जरूर कर दिए जी करिए क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती है रेगुलरली क्लासेस लेके आने के लिए तो अच्छे क्वेश्चंस हैं आप खुद भी पढ़ के देख लू ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं ठीक है डायरेक्ट भी आ सकते हैं सो so, देखो ग्लोमेरुलो में मेन क्या होता है कि पेशेंट का यूरिन ही नहीं फॉर्म हो रहा होता क्योंकि जो ग्लोमेरुलस है वो ही इन्फ्लेम्ड है सो वहां से फिल्टरेशन कैसे होगी ठीक है ना सो so, मेन यहाँ पे क्या होता है

अनकॉन्शियस पेशेंट तो प्रायोरिटी में क्या चीज़ आप रखते हो जब एक अनकॉन्शियस पेशेंट का आप ओरल हाइजीन मेंटेन करते हो थॉरली क्लीनिंग ओरल सर्विसिज प्रिवेंटिंग एस्पिरेशन कंट्रोलिंग माउथ ऑर्डर अप्लाइंग लोकल एंटीसेप्टिक्स सो प्रिवेंटिंग एस्पिरेशन इज द प्रायोरिटी क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट में गैग रिफ्लेक्स टंग फॉल के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ठीक है तो ओरल हाइजीन अगर आप किसी को दे रहे हो तो आपको हमेशा साइड लाइन पोजिशन में पेशेंट का फेस रखना है ताकि उसको एस्पिरेशन ना हो पाए नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वॉट इज द कलर कोडिंग ऑफ अ बैग इन द हॉस्पिटल टू डिस्पोज ऑफ ह्यूमन अनाटमिकल वेस्ट सच एज बॉडी पार्ट तो कौन सी कलर कोडिंग जो है यूज होती है कौन सा कलर कोडिंग ऑफ द बैग में आप जो है अनॉटमिकल वेस्ट जैसे कि, कि किसी का एम्पिटेटेड पार्ट है किसी की

सोर्स और होट इज नोन एज तो एक पेशेंट है जिसको ऑलरेडी एक डिसीज है, एक, एक है किसी और होस्ट से लाइक like कोई, या फिर कोई उसको हम क्या बोलेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख के बताओ और जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं बता देती हूँ तो एक्सेसिव वॉल्यूम हाइड्रोमिनाज हम किसको बोलते हैं भाई एमनियोटिक फ्लूड का एक्सेसिव वॉल्यूम को हम हाइड्रोमिनाज की कंडीशन से बोलते Him. <laughs> सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो like, को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को एंड अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आज के दिन तक ही सिर्फ ऑफर्स है उसके बाद ऑफर्स नहीं है बच्चे ठीक है टाइम बहुत लिमिटेड है इस ऑफर्स का फ़ायदा उठाओ आज शाम तक आप ज्वाइन कर सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है ओनली वन का जो कि पहले फिफ्टीन का था थ्यूरी बैच जो टू का था अब हो चुका है टू टू बिकॉज ये फेवरेट बैच है बच्चों का सो so ये मैंने और डिस्काउंट पर डाल दिया है सो so अगर आपका बेसिक क्लियर है, तो आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम इंपॉर्टेंट चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे थ्री मंथ्स का बैच है ये प्रॉपरली ए टू जेड सब कुछ करना है ये भी मंथ्स का बैच है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है और आप आज ही मेरे से बात करके ज्वाइन कर सकते हो मैसेज करके या फिर कॉल कर सकते so, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में टिल देन डू हार्ड वर्क मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाई ट्वेल्व थैंक यू सो मच